तो आज का टॉपिक है थायराइड। तो थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड सभी को होती है हमारे लाइफ में, अब जो मेल हो या फीमेल हो सभी का थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। तो इसमें अगर जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो अगर कम ज्यादा हो गए तो उसे हम कहते हैं कि हमें थायराइड का इन्फेक्शन है या हमें थायराइड है। तो ये आगे जाके देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड कैसे होती है। तो हमारा जो नेक होता है, हमारा जो गला होता है, उसमें जो यहाँ पे एक आपको एक उठाव दिखता है अब हमारे नेक के, उसके जस्ट नीचे हमारे ये थायराइड ग्लैंड होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड ये ऐसे दिखती है, बटरफ्लाई जो तितली रहती है ना, छोटी तितली उसी उसके आकार की होती है। और इसमें इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो स्राव निकलता है, वो हमारे हमारे बॉडी को, हम जो कहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी निकलती है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसे हम छोटा बॉस भी कहते हैं। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे पूरी बॉडी बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसमें ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनका क्या काम रहता है? तो जो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, अवयव होते हैं, उसका कंट्रोल इनके हाथ में रहता है। तो ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारा चयापचय जो रहता है उसको वो मेंटेन करते हैं, ग्रोथ रहती है हमारे शरीर की उसको भी कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, हमारा हार्ट बीट करता है, जो हम सांस लेते हैं, हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन करने खाना खाने के बाद जो हम पेट में जाता है उसको क्या, वो जो खाना बारीक करने का काम रहता है, वो जो न्यूट्रिशन जो जीवन सत्व है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होता है, वो सबका सिग्नल ये थायराइड ग्लैंड प्रोवाइड करती है। और हमारे बोन्स में जो कैल्शियम है वो भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का भी काम ही हमारा थायराइड ग्लैंड करता है। तो हम आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया आपको कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स, यहाँ पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ आपको, ये जो थायराइड हार्मोन्स है ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। अब ये कैसे काम करती है? तो हमारा जो दिमाग होता है वहां पे दो दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे थैलेमस दिख रहा है आपको और एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सर्कल में दिख रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होता है वो निकालता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भेज देता है सिग्नल कि आप आना टीएसएच को रिलीज कर दो। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेज देती है कि आप अभी हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है उनको रिलीज करना शुरू कर दो। तो वहां पे थायराइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, ये T3 होता है, T4 होता है और कैल्सिटोनिन होता है। तो T3 में क्या होता है, हमें आयोडीन, थायराइड में कभी भी बोलते हैं कि आयोडीन लेना चाहिए, लेकिन आयोडीन हमें नॉर्मल लिमिट में ही लेना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो आयोडीन के तीन तीन मॉलिक्यूल मिलकर ये T3 बनता है, चार मॉलिक्यूल आयोडीन के लेते हैं वो T4 बनता है और ये कैल्सिटोनिन है। ये कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की लेवल बहुत ज्यादा हो गई तो ये क्या करता है कैल्सिटोनिन, वो जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स में, हमारे हड्डियों में जमा होने का काम करता है, उसको सिग्नल देता है कि अब ये सारा कैल्शियम आप हड्डियों में जमा कर दो। तो यहां तक समझ में आ गया? तो आगे ये थायराइड हार्मोन जो है ये इनका क्या काम है? तो ये थायराइड हार्मोन जो है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये डेवलपमेंट हमारी बचपन से जो बच्चों में होती है तो उसके लिए T3 को नॉर्मल होना चाहिए। हमारा बॉडी वेट, हम देखते हैं थायराइड अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर बॉडी कभी भी बढ़ जाता है बॉडी वेट, और कम भी होता है किसी किसी का। बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, जैसे ठंडी ठंडी रही तो ठंडी में हमें ठंडी में हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और गर्मियों में पसीने की वजह से हमारे हमारे शरीर में ठंडाहट रहती है। उसी के साथ ये थायराइड हार्मोन हमारे बोन हेल्थ को और मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लीवर्स के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लेडीज में इश्यूज होते हैं ये इसको भी रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारा ब्रीदिंग, सांस लेना वो भी हमारा थायराइड हार्मोन से रेगुलेट करता है, हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है कम होता है ये भी हार्मोन्स यही रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा वीडियो है, वो एक छोटा सा है, वो मैं आपको प्ले करती हूँ, ये अच्छे से सुनिए आप। The thyroid is a butterfly-shaped endocrine gland located in the neck.
It is wrapped around the trachea, just below the thyroid cartilage, the Adam's apple. The two major hormones of the thyroid are triiodothyronine, T3, and thyroxine, T4. The numbers 3 and 4 indicate the number of iodine atoms present in a molecule of each hormone. T3 and T4 are collectively referred to as thyroid hormones. Thyroid hormone secretion is under control of thyroid-stimulating hormone, TSH, from the anterior pituitary. TSH, in turn, is induced by thyrotropin-releasing hormone, TRH, produced by the hypothalamus. The amount of circulating thyroid hormones is regulated by a negative feedback loop. When their levels are too high, they suppress the production of TSH and TRH, consequently inhibiting their own production. Thyroid hormones act to increase the body's metabolic rate. They stimulate appetite, digestion, breakdown of nutrients, and absorption. They also increase oxygen consumption, raise the breathing rate, heart rate, and contraction strength. As a result, the body's heat production is increased. Thyroid hormone secretion usually rises in winter months to keep the body warm. यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण हमारा हीट बढ़ हमारे शरीर में हीट निर्माण होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी थायराइड हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो क्या होता है हमारे शरीर में जो है ना थायराइड हार्मोन्स कम होता है या फिर ज्यादा होता है, जैसे उसके टाइप्स, अभी थायराइड के टाइप्स है यहाँ पे। थायराइड हार्मोन जब कम होता है तो उसे हाइपोथायराइड कहा जाता है, और जब हमारा थायराइड हार्मोन्स जो है वो अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हाइपर थायराइड कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो नॉर्मल हार्मोन्स रिलीज करती है, अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो गया तो वो सिग्नल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन को कि आप हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है ना उनको ज्यादा प्रमाण में रिलीज करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे शरीर में वो कम पड़ रहे हैं। और हाइपर थायराइड में क्या होता है कि हमारे थायराइड हार्मोन्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारे ब्रेन को और रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन, कि हमारे शरीर उनको बोलता ब्रेन को बोलता है कि आप हमारे शरीर में ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा प्रमाण में है तो आप इसे कम करना शुरू कर दो, इसको प्रोड्यूस मत करो, तो वहां पे उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। जब हमारा थायराइड लेवल कम हो जाता है तो क्या क्या होता है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म कम होने के कारण क्या है कि हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी, हम खाने में पहले 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 तो इसका अवेयरनेस भी नहीं था कि हम आयोडीन नमक में लेना चाहिए, तो अभी नमक में आयोडीन होता है तो ये नॉर्मल लिमिट में ही लेना चाहिए, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। क्या होता है हाइपोथैलेमस, अगर हमारे ब्रेन को अगर कुछ इंजुरी हो गई, इंफ्लामेशन सूजन आ गई, तो उसकी वजह से वहां पे भी हमारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है जो सिग्नल भेजता है थायराइड को। ड्रग थेरेपी, डिप्रेशन, हमारा क्या होता है कि हम मेडिसिन लेते रहते हैं, ड्रग थेरेपी लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से ना दवाइयों की वजह से भी थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। रेडियो एक्शन, जो कुछ 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 केमिकल फैक्ट्रीज या रेडिएशन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनका भी उस रेडिएशन की वजह से भी थायराइड में प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज भी होती है, जैसे बच्चे पेट में रहते हैं तो उसमें भी कुछ अगर डिफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से भी थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, रेडिएशन होता है, हार्मफुल पोल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पे किसी किसी की सर्जरी भी होती है थायराइड ग्लैंड, उसकी वजह से भी डिस्टरबेंस हो सकता है, या फिर थायराइड ग्लैंड खुद को भी इन्फेक्शन सूजन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सारे कारण है कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म होने के बाद हमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो यहाँ पे मैं मेरा खुद का भी थोड़ा रिजल्ट बताना चाहूंगी कि यहाँ पे फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बताया गया है। हाइपोथायराइडिज्म में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, कंसीव होने में प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर थायराइड हार्मोन्स कम रहे तो। हमें बहुत फटीग और थकान रहती है, एनर्जी नहीं रहती, ये मुझे भी था, क्योंकि मेरा सेकेंड डिलीवरी के बाद जो मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ तो मुझे बहुत थकान होती थी, मेरे बाल गिरते थे, मेरा मूड स्विंग्स होता था, बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, और मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैंने 10 केजी पुट ऑन कर लिया था,
मुझे कभी कभी ऐसे लगता था हार्ट रेट कम हो गया, ऐसे बहुत समझ में आता था। दवा खाने में कभी जाती थी तो तब बोलते थे आपका हार्ट रेट कम हो गया है। हाथ पैर भी बहुत ठंडे पड़ते थे, मेरी स्किन बहुत ड्राई होती थी, वेट गेन का प्रॉब्लम तो था, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो चुकी थी। जैसे मेरा नॉर्मल रहता था मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन फिर थायराइड होने की वजह से वो इरेगुलर होता था, कभी कभी 2 महीने में आता था तो कभी छह 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 महीने नहीं आता था। मस्कुलर पेन होता था, कॉन्स्टिपेशन भी होता था मुझे। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के थे जो मैंने खुद महसूस किए थे। तो यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगी कि यहाँ पे वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, हर एक को होता है ना। यहाँ पे जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो बोलता है कि मेरा वेट एकदम से बढ़ गया, वो कम ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये क्यों होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हमें ये पता है कि फैट बढ़ने की वजह से वेट बढ़ता है ना, लेकिन थायराइड में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो लेवल है वो हमारे शरीर में ही एक्यूमुलेट होते रहता है। वो पानी हमारे शरीर में जमा होता है, वो हमारे शरीर से बाहर नहीं जाता है, इसलिए हमारा शरीर फूकने लगता है। तो हम बोलते हैं कि हमारा शरीर सूज गया है या फिर हमारा वजन बढ़ गया है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में होता है। जो एक्स्ट्रा वेट हम पुट ऑन करते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा वेट 5 से 10 पाउंड, बोले तो 3 से 5 किलो तक हमारा वेट ये बढ़ सकता है। तो इसमें यहाँ पे एक कॉन्स्टिपेशन का भी कॉज दिया है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमारा जो पेरिस्टाल्सिस होता है, जो मोशन होती है इंटेस्टाइन की, वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है हमारे शरीर में, वाटर हमारे शरीर में जमा होने लगता है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे शरीर में जो वेट बढ़ता है उसका ये कारण है। तो अभी यहाँ पे एक छोटा वीडियो है, वो भी आप देखिए, इसमें समझ में आएगा। When the thyroid does not produce enough hormones, resulting in a low metabolic rate combined with slow respiratory and cardiovascular activities, common symptoms include fatigue, weight gain despite poor appetite, cold intolerance, slow heart rate, heavy menstrual bleeding, and constipation. Iodine deficiency and Hashimoto's thyroiditis are the most common causes. Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disease in which the thyroid gland is gradually destroyed by the body's own immune system. Hypothyroidism, especially when caused by iodine deficiency, may lead to swelling of the thyroid gland, known as goiter. In an attempt to fix the low levels of thyroid hormones, the pituitary produces more TSH to further stimulate the thyroid gland. The thyroid, while unable to make hormones without iodine, responds to TSH by growing in size. Hypothyroidism is managed with thyroxine hormone replacement. यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि अगर ये थायराइड हार्मोन कम हो जाता है ना, तो हमारा शरीर, ये हमारा ब्रेन जो है वो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन स्टिम्युलेट नहीं कर पाता है थायराइड को। तो थायराइड क्या होता है, यहाँ पे एक बीमारी होती है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड होती है, उसको हमारे जो इम्यून सेल्स रहते हैं ना, जो फाइटिंग सेल्स रहते हैं, तो वो हमारे, उनको क्या लगता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो कुछ फॉरेन बॉडी है, तो वो उसको ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ये हशिमोटो डिजीज कहा जाता है इसमें। और आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होने के कारण गोइटर, गलगंड करके ना जो बीमारी है वो भी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट है कि हम जो भी जिसको भी हाइपोथायराइड कम होता है तो वो थायरोक्सिन की टैबलेट्स लेती है। उस डिपेंड्स ऑन उसका जो हम ब्लड चेक करते हैं, उसके बाद हमें जो रिजल्ट आता है उसकी वजह से उसके ऊपर हमारा सब डिसाइड होता है। तो ये मेरा ये मैं थी जब मेरा फर्स्ट ये सीजर हुआ था ना, तो उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया था, मुझे थायराइड डिटेक्ट हो गया था और मैं ऐसे दिख रही थी। मेरा पूरा मतलब मुझे चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा पूरा हर तरफ पूरी बॉडी सूजी हुई रहती थी, चलना नहीं होता था, थकान रहती थी, बहुत सारे इश्यूज होते थे। तो ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन थी। अभी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, आपको सबको समझ में आ रहा है ना, मुझे चैट बॉक्स में बताइए जरा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यस ओके ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि अभी जो हार्मोन कम रहते थे अभी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है, तो थायराइड ग्लैंड को कुछ इंजरी हो, जख्म हो गई, इंजरी हो गई,
कुछ नर्व शॉक्स रहते हैं कहीं, ये हमें समझ में नहीं आता लेकिन ये इनडायरेक्टली होते हैं हमारे शरीर में। इन्फेक्शियस डिसीज, कुछ बीमारी हमको हो गई उसकी वजह से थायराइड में इन्फेक्शन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ थायराइड थायराइड करके नहीं होता है, कभी दिमाग की भी बीमारी हो गई या कुछ उसको इंजरी हो गई तो उसकी वजह से थायराइड भी अफेक्ट होता है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जैसे मिसकैरेज, बहुत जनों को ये प्रॉब्लम होती है जैसे मिसकैरेज हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान थायराइड डिटेक्ट होता है हर एक, तो वो इन ये जो मेडिसिन हम टैबलेट्स लेते हैं ना, इसकी वजह से भी हमारा थायराइड इन्फेक्ट हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है। थायराइड ग्लैंड की सूजन या हेरिडिटरी होता है किसी किसी को, और कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसके अभी हमने कारण देखे, तो अभी होता क्या है हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है, तो यहाँ पे हमें बहुत चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यहाँ पे ना हाइपरथायरॉइडिज्म इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारा वेट लॉस होता है, वो जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म है उसने वेट लॉस होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, डायरिया उनको हो सकता है, उनके नेल्स भी बहुत नाजुक हो जाते हैं, स्किन मॉइस्ट होती है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत हीट रहती है उनमें, उनके मसल्स भी वीक रहते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत धड़धड़ जैसे होता है, बीपी बढ़ जाता है, सांस भी फूल जाती है, सब बढ़ जाता है हाइपरथायरॉइडिज्म में। और थायराइड ग्लैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्रेशन की वजह से वो भी बढ़ जाती है और हमारे बाल जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी, ये समझ में आएगा आपको। Hyperthyroidism, when the thyroid gland produces too much hormones, resulting in a too active metabolism, together with respiratory and cardiovascular rates that are higher than necessary. Common symptoms include irritability, insomnia, weight loss despite good appetite, heat intolerance, heart racing, and diarrhea. Hyperthyroidism is most commonly caused by Graves' disease, another autoimmune disorder characterized by presence of an antibody called thyroid-stimulating immunoglobulin, TSI. TSI, similar to TSH, stimulates the thyroid gland to produce hormones. Unlike TSH, however, TSI is not regulated by negative feedback mechanisms, leading to uncontrolled production of thyroid hormones. TSI also stimulates the thyroid gland to grow, which may lead to formation of a goiter. Hyperthyroidism may be managed with drugs that suppress thyroid function, radioactive iodine that selectively destroys the thyroid gland, or surgery that removes part of the gland. यहाँ पे जो देखा हमने कि हाइपरथायरॉइडिज्म में ये ग्रेव डिसीज बताया गया है। तो ग्रेव डिसीज में क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी आंखें है, वो जो पर्सन है जिसको हाइपरथायराइड, उसकी आंखों के नीचे है ना कलेक्टिव टिश्यू बढ़ जाते हैं और उसकी आंखें ऐसे जैसे लगता है कि वो बाहर आ रही है, और उसको गोइटर की भी इश्यूज होते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको स्टॉप नहीं कर पाता है वो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से ये पैरों में भी सूजन आना शुरू हो जाती है। तो ये पर्सन, इसको ग्रेव्स डिसीज कहा जाता है। ये ओके तो अभी ये सब बीमारियां तो हो, ये हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, लेकिन अब हो गया है तो अब हम इनसे कैसे टैकल करें, इनसे कैसे बचे, या फिर ये ना हो या फिर होने के बाद भी हम कैसे इसे अच्छे से रह सके इसके साथ। तो इसके लिए हमें हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। डाइजेशन हमारा अच्छा रहेगा तो न्यूट्रिशन हमारा जीवन से तो हमें अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, हमारा थायराइड और ब्रेन फंक्शन हमारा अच्छा होगा, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ब्रेन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा हमारी मानसिक क्षमता या मानसिकता भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ब्रेन को कुछ डैमेज हो जाए।
डीप टॉक्सिफिकेशन करना चाहिए हमारे शरीर में, जो अभी हमने देखा कि वाटर लेवल, वो वाटर स्टक हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, तो वो बाहर डालने के लिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन भी करना चाहिए। लेडीज में जो इश्यूज होते हैं उसको हमें प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। फिर खाने खाने में हमें अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। तो इसमें मैं आगे दे ये बताना चाहूँ कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। जिसको थायराइड होता है बोलते हैं ये खाओ ये मत खाओ, तो खाने में जैसे एंटीऑक्सीडेंट, जो इन्फ्लामेशन, जो सूजन कम करने वाले अच्छे वाले फैट्स प्रोटीन्स, जो हमारे घर में इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर जो हम मसाले यूज करते हैं वो तो यूज करने ही चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और विटामिन डी जिसमें है, वो सारा खाना हमें खाना चाहिए डेली। और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसमें ग्लूटीन है, जो आयोडीन रिच, बहुत ज्यादा आयोडीन नहीं खाना चाहिए, ट्रांस फैट, शुगर जिसमें है, ज्यादा शक्कर वाले खाना भी नहीं खाना चाहिए, पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, कैफेन जिसमें है वो भी हमें कम करना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए उनमें। हॉर्मोन्स और पेस्टिसाइड्स जो हम सब्जियां वगैरह लाते हैं वो भी धो के खाना चाहिए, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जो नॉर्मल चीजें हमें खाना चाहिए वो जो मॉडिफाइड करके आती है, अलग तरीके से बन के आती है, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए, नेचुरल वे में ही खाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमें कौन से अच्छे फूड्स हैं, जैसे नट्स हो गए, बादाम का, अखरोट, मीट, लेमन, या फिर यहाँ पे वेजिटेबल्स है, कैरेट है, टमाटो है, कोकोनट है, सी फूड भी खा सकते हो, चिकन मटन जो बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, रिच प्रोबायोटिक दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, किडनी बीन्स, ये राजमा ले सकते हैं, ये सारे हमें रोज की जिंदगी में खाना चाहिए। और यहाँ पे रॉ जो वेजिटेबल बोलते हैं कि ये कॉलीफ्लावर नहीं खाना चाहिए, जिसे हम पत्ता को भी फूल को भी नहीं खाना चाहिए, ये रॉ में नहीं खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। फिर ये एरिएटेड वाटर, सोडा लेते हैं, कुछ कॉफी ज्यादा लेता है, यहाँ पे फ्राइड फूड्स, जब बाहर का जो हम जो भी बाहर का खाते हैं ना, फास्ट फूड खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में यहाँ पे आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए डी, विटामिन बी और सेलेनियम, ये सारे जो है ना हमारे जो थायराइड हॉर्मोन्स है इसको बहुत इंप्रूव करता है, इनको बढ़ाता है, इनको ये जो ये न्यूट्रिशन अगर रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो हमारे ये थायराइड हार्मोन भी बहुत अच्छे से काम करेगा, इनको बहुत ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं पूरा ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, डिस्क्राइब नहीं करूंगी, क्योंकि हर एक का काम अलग है, आयरन अलग काम करता है, मैग्नीशियम अलग हेल्प करता है थायराइड हार्मोन्स के लिए। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमें टिप्स कैसे कैसे रहना है, थायराइड होने के बाद क्या होता है कि बहुत चिड़चिड़ापन होता है, अकेलापन महसूस करते हैं, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमारा सब हम खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, शरीर बढ़ चुका रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉर्निंग में, थोड़ा जितना भी हो सके आपको वर्कआउट करना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए जो हेल्दी होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और हमें ऐसे फैमिली में रहना चाहिए जहाँ पे हमें खुशी मिले, हम हमारा सुख दुख बांट सके, ऐसी फैमिली में हमें रहना चाहिए। और अगर थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो हमें डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए थायराइड हार्मोन्स का। और जैसे और हमारे जो आजू बाजू में जो ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम हर एक से हर कोई चीज शेयर नहीं कर सकता, तो वो मेंटली मेंटली शांत, मेंटल शांति के लिए या फिर हमारा मेंटल पीस के लिए हम किसी से बात कर सकते हैं हमारी, और बात करना चाहिए। क्या होता है, हम बात नहीं करते हैं तो हमारा और सारी प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली हमारे शरीर में चलने लगती है, बढ़ती है वो। तो ये सारी चीजें ना मैंने भी फॉलो की, पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती थी, एक्सरसाइज नहीं करती थी, पता चल गया था थायराइड था, सेकेंड डिलीवरी आई और 10 kg बढ़ गया, मेरा टोटल 20 kg वेट बढ़ गया था। तो फिर मैं हमारे फैमिली में ज्वाइन हुई, तो मैंने भी एक्सरसाइज, हमारा खाना पीना, हमारे फैमिली में ज्वाइन होना, सुबह सुबह हमारा जो सेशन रहता है तो वो मैं ज्वाइन करती हूँ, सबसे बातें करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।